तो फ्रेंड्स आज ये फाइनली जो है सूख ही गई है। इतने दिन लगे इसको ड्राई होने में ना, ये देखें आ तो बिल्कुल ड्राई है। अब ये जब मर्जी दिल करे तो इसको ग्राइंड कर लेंगे हम। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा बहुत सा इतना इंटरेस्टिंग नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। पता है सुबह से ऐसा हुआ था कि ना मैं सुबह उठी तो मतलब मैं लेट उठी फजर के लिए, तो जिस वजह से मैं थोड़ा सा ना आज सारा दिन ही मेरा जो है ना वो बहुत बोरिंग गुजरा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, मतलब इस तरह का डे जो है वो गुजर रहा है। बस 20 मिनट्स लेट थी, बट अक्सर ऐसा होता है कि मैं अजान हो रही होती तो उठ जाती हूँ, तो पर आज ऐसा हुआ कि 20 मिनट लेट होगी तो ऐसा लग रहा है नमाज मैंने ना कुछ हो गया, ऐसा फीलिंग जो है वो आप समझ सकते हैं कैसी होगी। तो उसके बाद जो है मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, दिल्ली नहीं किया कुछ शूट करने को, ब्लॉग वगैरह एडिट किया, उनको अपलोड किया लास्ट अपलोड, और जो भी आज काम किया है वो मैंने ऑफ कैम ही किया है। तो अभी जो है हमारे घर आए हुए मेहमान, आप लोगों को इन मेहमानों से मिलाती हूँ। आप लोग शायद आप बनाए हैं, कुछ लोग उनमें से आप लोग मुझसे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और बाकी जो है जो भी खाना बन रहा है, शामी वगैरह बन रही है, और पता नहीं क्या क्या बन रहा है, जाके देखते हैं। मैं खाना नहीं बना रही, आप मम्मा और आप ही खाना बना रही हैं, तो आज हम फ्री हैं समझे। आज का दिन बहुत अजीब सा, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा डिस्टर्बिंग डे बन जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी दिल कुछ करने को कर भी रहा होता, नहीं हो रहा होता, और दिन भी अजीब गुजरा था। आज तो मेरा दिन वही था, सैटरडे का डे आज मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। चले आए अभी हम आपको जो आए हैं मेहमान उन सबसे मिलवाती हूँ। तो बैंक जो है वो किसी काम से जाना है, तो इसके बाद जो है बैंक चले गए। बैंक से निकलने के बाद काफ़ी लंबा रोड है यहाँ से बाज़ार तक का, तो वहाँ से हमने रोड क्रॉस किया, सारा रोड क्रॉस किया, और फिर हम जो है वो बाज़ार गए। बाज़ार से भी हमने काफ़ी कुछ लेना था, दाल वगैरह लेनी थी जो शामी कबाब बने थे, उसके लिए दाल ली हमने। दाल के साथ और भी कुछ ग्रोसरी की चीज़ें थी वो रहती थी, वो भी लेनी थी, वो भी हमने ली जल्दी जल्दी, क्योंकि घर आपको पता है आप ही आई हुई थी, तो फिर बच्चे भी थे, बच्चे जो है वो वेट कर रहे थे, तो इस वजह से जो है हमने जल्दी जल्दी चीज़ें ली थी। और लाइट भी गई हुई थी, तो हमने सोचा चलते चलो लाइट गई हुई है तब तक लाइट भी आ जाएगी और हम जो है वो अपना सामान भी ले आएंगे। तो मैं और आप ही जो है वो दोनों बाज़ार गए थे, मम्मा नहीं गई थी, तो हम दोनों ने जो है ये सारे काम ख़त्म कर लिए थे। साथ रास्ते में जो है बाज़ार में इतना रश था, पता नहीं क्यों आजकल इतना रश पता नहीं क्यों है, और बाइक्स वाले तो गुजरने नहीं देते ना, गाड़ी तो एक अलग चीज़ है ना, ये बाइक्स वाले बस कहते हैं भाई हमें गुजरने दो, आप लोग गुजरो ना गुजरो हमारा कुछ भी नहीं। वहाँ से फ्री होने बाज़ार से रोड क्रॉस करके फिर जो है हम सब्ज़ी की दुकान पर आ गए। सब्ज़ी की दुकान से जो हमने कुछ सब्ज़ियाँ ली, सैलड का सामान लिया, ये तमाम चीज़ें जो है हम लोगों ने ली हैं, और जल्दी जल्दी जो है वो बिल वगैरह करवा के अब फिर हम घर की तरफ जो है वो निकल गए थे। आप लोगों का मेहमानों से मिलाने लगी, क्योंकि अभी मैंने लास्ट आपको बताया कि मैं बताने में आपको मेहमानों से मिलाती हूँ, तो मैं चली गई बाज़ार, बहुत ज़रूरी कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी और बैंक तक जाना था, तो फिर मैं अभी वापस आई हूँ। तो मेरा मेहमान जो है वो आप लोगों से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। चलिए मैं आप लोगों को मिलाती हूँ। मेरे छोटे छोटे दो मेहमान जो कि आज आए हुए हैं, आप चले फ्रेंड्स को सलाम करें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? कहाँ भी आए हुए आज आप? नानों के घर। तो इन लोगों को आप लोगों से मिलने का बहुत शौक था, मैंने कहा अभी अभी हम वीडियो बना दें, उन्होंने मेरी जान खाई हुई थी कब वीडियो बनानी, कब हम मिलेंगे। तो अभी जो है ये आ गए हैं, तो आप अपना नाम बताओ पहले। मोहम्मद राज। और आपका क्या नाम है? ज़ारा उस्मान। तो आप बताओ ना आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो दोस्तों को? और आप? थ्री में। तो अभी जो है ये लोग सैटरडे है तो नानों के घर आज रहने आए हैं, तो अभी बताओ क्या क्या करना, खेलना अभी? क्या क्या खेलना है? हम बादशाह का वजीर जो है रात को खेलेंगे। अब जो है वो ये लोग मेरे साथ आके बैठ गए हैं, तो हमने जो है अब रात को सोना चांदी हीरा मोती पता नहीं क्या क्या सोचा है इन्होंने, वो खेलेंगे। तो ये जो है मेरे छोटे छोटे मेहमान हैं, मैं इनकी खाला हूँ, तो ये लोग आए हैं तो अब कहते हैं अबू खाला अब ये करना वो करना, तो ये इस तरह जो है मुझे तंग कर रहे हैं, तो ये तंग नहीं करेंगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा। आप लोग भी इनको आप मेरी वीडियो में देखते रहेंगे, क्योंकि आगे इनके पेपर होने वाले हैं और फिर ये जो है फ्री हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद ये आएंगे और फिर हमने भी घूमने फिरने का प्लान बनाया हुआ है।
रहा है, सिम्बा बैठा हुआ है, सिम्बा को बड़ा मजा आ रहा है इधर बैठने में, तो ये बैठ रहा है खेल खुल के, इधर बैठ गया सिम्बा। माने ये देखे, माशाल्लाह जरूर कहिएगा इसके लिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारे घर वाले आज क्या बना रहे हैं, क्योंकि आज हमने किचन में घुस के भी नहीं देखा कि क्या बन रहा है। अभी मम्मा और आप ही खाना बना रही हैं, तो अभी हम देखते हैं क्या पक रहा है। शामी कबाब जो कि आप ही ने बनाए हैं, मैंने तो मना किया था ना बनाओ, पर वो कहती नहीं बनाने हैं बनाने हैं, ये बन गए हैं। ये देखें ये कुछ बन गया, अभी वो बाकी जो है वो बना रही है। मैंने कोई इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की आज, हम फिर कभी इसकी रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आप देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही है। तो मम्मा जी आप यहाँ पे क्या कर रही हो? फिश का सालन बना रही हूँ शोरबे वाला। तो मम्मा जो है वो फिश का सालन बना रही है शोरबे वाला, जो मैं नहीं खाती हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और ये पड़ी हुई है फिश, और ये पड़ी हुई है यहाँ पे फिश जो कि पकनी है अभी। तो यहाँ पे जो है मैं खाना खा रही हूँ, मैं ये भी खाना खा रही है, ये हमने टिक्कियाँ बनाई हैं, ज़ारा आप ही है मेरे साथ, क्योंकि हम दोनों जो हैं वो फ़िश का सालन नहीं खाते, इसलिए हम दोनों जो है ये शामी खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी आप ही जो आई हुई थी रहने, वो घर से ये जो है वो मिक्सचर बड़ा मज़े का, चिकन और क्रीम, और इसमें उन्होंने कुछ इन्ग्रीडियंट्स ऐड किए हुए थे, प्रॉपर तो नहीं मुझे पता, पर उन्होंने ये जो है ब्रेड में रैप करके जो है वो बनाए थे, और ये बहुत ही टेस्टी है। ऐसे जो आपी जो हैं वो ये अक्सर रोज़ों में बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। जब वो रोज़ों में दोबारा बनाएंगी तो मैं इसकी रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड करके ज़रूर अपलोड करूँगी। और यहाँ पे जो है बस यही बनाए थे, इसके बाद जो है मैंने इससे पहले जो है खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद चाय पियो, चाय पीने के बाद जो है आपको पता है मैं जल्दी सो जाती हूँ, तो मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि और कुछ मैं इतनी थक गई हुई थी कि मतलब मैं जल्दी उठती हूँ ना, जिसकी वजह से मैं जो रात है ना लेट नाइट तक नहीं जाग पाती हूँ। तो सबने जो है वो मेरे बाद खाना खाया था, क्योंकि मैंने जो है फ़िश का सालन नहीं खाना था, तो फिर मैंने खाना खाया, चाय पी, और फिर जो है ये कुछ आप ही के साथ शूर किया था, और फिर जो है वो मैं सो गई थी। तो कल सैटरडे का दिन जो है वो इतना ख़ास नहीं था, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, कुछ फेडअप थी, कुछ डीमोटिवेट थी शायद, इसलिए शूट नहीं कर पाई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा है, अच्छा लग गया होगा तो प्लीज़ मुझे इनक्रेज कीजिएगा कमेंट में आके, थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।